अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू पालक गोश्त, जिसके लिए हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक एक चम्मच लहसुन अदरक हरी मिर्चें ली हैं और 5 टमाटर लिए हैं। ये हमारा मीट है, इसमें हम ये प्याज शामिल करने लगे हैं। और ये सारे रेड स्पाइसेस हैं, लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच लाल मिर्चें हैं, 1 चम्मच नमक है और आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ज़ीरा है और पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करें। ये लहसुन अदरक हरी मिर्चें सारी इसमें हमने डाल दी जो मैंने आपको दिखाई थी। अब ये सारे सूखे मसाले इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा इसको हम हिला के और इसको ढक देंगे कुक होने के लिए। मिक्सिंग कर दी और इसको अभी हम ना कवर कर देंगे। जैसे ही गोश्त थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर हम टमाटर डाल देंगे। हमने कवर कर दिया था हांडी को, अब चमचा चलाते हैं। अभी इसमें और कुक होना है, पानी ने थोड़ा और खुश्क होना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू चैनल है हमारा, इसको सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पानी बस खुश्क होने वाला है और इसमें टमाटर शामिल होने वाले हैं। थोड़ा सी तरह भूनते रहो, चमचा चला। इसकी रंगत चमचा चलाते रहे ताकि प्याज जो है वो भी साबुत ना रहे, वो भी एक जान हो जाए। तो इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया है मैंने। गोश्त हमारा वैसे गल गया है और भुनाई में इसलिए कर रही थी कि इसमें प्याज जो थोड़े बहुत साबुत शो हो रहे थे तो वो जो है वो फिर इसमें ही भुनाई में एक जैसे हो जाएंगे। टमाटर इसमें शामिल कर दूँगी, जो 5 मैंने लिए थे वो मैंने पीस लिए थे। ये हमारे टमाटर चले गए अच्छे से जी। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे सारे। अब मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आए। टमाटर इसमें चले गए, इसकी भुनाई होगी अच्छे से और फिर इसमें कुकिंग ऑयल शामिल हो जाएगा। इसी तरह भुनाई करते रहें। मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, इसकी और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। ऑयल चला गया है। अच्छे से अभी भुनाई हो रही है, चमचा चला रहे हैं। और जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी फिर इसमें आलू चले जाएंगे और थोड़ा सा पानी शामिल होगा। पालक जा रही है इसके अंदर। पालक डाल दी, इसके बाद जाएंगे आलू। हाँ, पालक पानी छोड़ती है ना। देखिए बैठती रहेगी ना ये, जितनी कुक होती जाएगी साथ साथ। कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका। ये भी पालक पानी हल्का हल्का छोड़ रही है। कलर बहुत खूबसूरत है पालक का ना, इसमें लग रहा है। वैसे भी आयरन होता है इसके अंदर। ये देखें इसमें पानी छोड़ दिया पालक ने। अब इसको ना हम लोग अच्छी तरह बुनाई करेंगे। हाँ इसकी बुनाई होगी कुछ देर के बाद। हाँ फिर बुनाई के बाद आलू डालेंगे। इसकी बुनाई के बाद इसमें आलू डालेंगे। चाय भी बन रही है साथ साथ और कुकिंग भी हो रही है। अभी तक इसका पानी खुश्क ही नहीं हुआ है। जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो फिर आलू इसमें शामिल कर देंगे। हमारे साथ रहें। चले बस इसमें आलू भी डाल दें। फिर इसमें आलू चलें दिखाएं आलू भी। आलू के साथ बुनाई हो जाएगी। हाँ इसके साथ ही इसकी बुनाई हो जाएगी। पालक बहुत पानी छोड़ती है। ये अब इसी पालक में नहीं चला। आलू भी गल जाएंगे इसी पानी में। बुनाई करके जहाँ इसमें गल जाएंगे। सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब जैसे ही आलू गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे कवर कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी हद तक पानी सूख गया है और इसकी बुनाई हो रही है इस तरह से। मतलब थोड़ा रह गया अभी। अब इस पर गरम मसाला डाल दूँगी। बस एक चम्मच आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा बच करके पालक थोड़ा देर से थोड़ा हम लोगों ने मोटी मोटी काटी हुई थी। हम लोग उबाल के नहीं डाली। कुछ लोग उबाल के डालते हैं, हम लोगों ने उबाल के नहीं डाली। हमने डायरेक्ट फिर डाली। ज़्यादा बारीक अच्छी नहीं लगती। मतलब थोड़ी सी बनाएगी अच्छी तरह की बुराई हो जाए। फिर मैं डिश आउट कर दूँगी। फिर आप लोगों को उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू ऊपर आ जाए अब चूल्हा बंद कर देती और बिल्कुल फायर हो गया। बिल्कुल देख बिल्कुल पक गया। मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा बनता है ये वाइट चावलों के साथ, चपाती का नान नान के साथ। जी व्यूअर्स, हमारा पालक गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।